Hello students, today we are going to start a poem, A House, A Home. It is taken from Honeysuckle, class 6 standard. It is composed by Lauren M. Halley. What is the difference between a house and a home? House और home में क्या difference है, क्या अंतर होता है? ये इस poem में हम लोग पढ़ेंगे. What is a house? It's brick and stone and wood that's hard. Some window, glass and perhaps a yard. House क्या होता है? यह brick ईंटों का बना होता है, पत्थरों का बना होता है, लकड़ियों का बना होता है, जो hard लकड़ियाँ होती हैं, मजबूत लकड़ियाँ होती हैं, उससे बना होता है. Some window, glasses. विंडो में ग्लास लगे होते हैं, विंडो लगे होते हैं और शायद इसमें एक आंगन होता है. इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्कूटो एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर. इसमें चिमनियां होती हैं, इसके छज्जे निकले हुए होते हैं. ईव्स, ईव्स मीन्स होता है ओवर हैंगिंग एज ऑफ रूफ, छज्जा. स्कूटो, स्कूटो मतलब होता है प्लास्टर, जो घर की दीवारें प्लास्टर होती हैं, जिसको हम सीमेंट और चूने से प्लास्टर करते हैं. घर में एक रूफ होता है एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, इनको हम हाउस कहते हैं. What is a home? Home क्या होता है? It's loving and family and doing for others. यह स्नेहयुक्त लोगों से, परिवारों से मिलकर के बना होता है, जिसमें लोग, परिवार के सारे लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों का टेक केयर करते हैं. It's brothers and sisters and fathers and mothers. Home में भाई, बहन, माता पिता सभी लोग मिलजुल करके साथ में रहते हैं. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग. इसमें सभी लोग निस्वार्थ भाव से सभी की कामों में, सभी लोगों के कामों में शेयर करते हैं, हाथ बटाते हैं. Showing your loved one, you are always caring. और सभी के प्यार से, स्नेह से हमेशा आपकी केयर होती है, हमेशा आपकी देखभाल की जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं घर. I hope you have understood the poem. Thank you.